प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दशमलव बिन को साधारण बिन में कैसे बदलें, अभी हम बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं अपना दशमलव बिन हम कहते हैं किसको। जैसे आपको दे रखा है दोस्तों 0.6, ये आपका एक दशमलव बिन है। जैसे दे रखा है आपको 6.75, जैसे आपको दे रखा है दोस्तों 0.2345, तो ये अभी हम तीन एग्जाम्पल समझेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत कहाँ आती है, कैलकुलेशन में आती है, और कैलकुलेशन को मजबूत करने का सिंपल तरीका है उसको बार बार किया जाए और कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक ट्रिक नियम याद कर लिए जाए। जैसे अभी मैं आपको कुछ बातें बताऊँ वो आपको ज़रूर समझनी है। तो देखिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, यदि पॉइंट के बाद आपका एक अंक है तो नीचे एक के बाद एक जीरो आएगा, आसान है। ऊपर फिर कितना बच जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा जो संख्या है। अब देखिए दोस्तों हमें ऊपर नीचे काटना है, ठीक है। साधारण बिन में कैसे आएगा, ऊपर नीचे हम काट देंगे। काटते किस संख्या से हैं ये भी ध्यान होना चाहिए, उस संख्या से काटा जाता है जो इन दोनों संख्याओं की क्या होती है, एचसीएफ होती है। लॉजिकल आंसर तो ये होता है, ठीक है, कि जो एच सी एफ है उसका ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा, आप एच सी एफ निकाल लें उसके बाद डिवाइड करें, लंबा प्रोसेस होगा। डायरेक्ट सिंपल कैसे देखें, तो आपको डिवाइड करने के डिविजिबिलिटी के नियम पता होना चाहिए। दोस्तों वे नंबर आपके 2 से डिविजिबल रहते हैं जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, तो हम देखें तो यह भी आपका 2 से डिविजिबल है, यह भी 2 से डिविजिबल है, ओके, ऐसे काटा जाता है। तो फिर ऊपर हमने 2 का डिवाइड किया, कितना 3 मिल गया, नीचे 2 का डिवाइड किया 5 मिल गया। 0.6 का आपका साधारण बिन क्या है, 3/5 है, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी के जितने भी नियम है ना वो आप याद करें और फिर उनका प्रैक्टिस करें, ठीक है, जिससे कि आप नंबर को देखते ही बता सकें कि भाई ऊपर वाला इससे कट रहा है, नीचे वाला भी इससे कट रहा है, फटाफट फटाफट, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको पूछूं पॉइंट के बाद कितने अंक है, कितने डिजिट है, तो आप में से कोई भी जवाब देगा कि पॉइंट के बाद 1, 2 डिजिट है, यानी 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। ऊपर कितना बन जाएगा, जब ये पॉइंट यहाँ से हट गया तो 675 बन गया। अब दोस्तों मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह भी संख्या 5 से कट रही है, यह भी संख्या 5 से कट रही है। मैंने कैसे देखा, डिविजिबिलिटी का नियम लगा दिया। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो वो दोनों संख्याएं आपकी 5 से डिविजिबल रहती है, यानी हम काटने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे 5 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऊपर 5 का डिवाइड किया, कितना 1, और 5 3 15, और 5 2 25, 135 आगे, नीचे कितना आ गया 20। फिर आपका ऊपर नीचे 5 से कट रहा है, ये 5 से कितना 4 बार कट रहा है, ये 5 से कितना कट रहा है 2 बार, और 7 बार, ठीक है, यानी फाइनल हमारे पास कितना आ गया 27/4। अब इन दोनों संख्याओं में आपका कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसका ऊपर भी आप डिवाइड कर सके, नीचे भी, केवल 1 ही मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये मतलब यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 27/4 आपका क्या बन चुका है, एक फ्रैक्शन बन गया है। अब देखिए जब ऊपर की संख्या बड़ी हो फ्रैक्शन में, तो हमेशा ध्यान रखिए उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 6 चौक 24 जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 बार तो आपका भाग पूरा का पूरा जाएगा, और सेंसफुल कितना आएगा, 3 सेंसफुल आएगा, जो सेंसफुल आएगा उसके बट्टे में 4 लिख के हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो 6 3/4 यह आपका किसमें आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, यानी मिश्रित बिन में बदल गया, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा
कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। आप में से कोई भी जवाब देगा कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो मैं चुपचाप 1 2 3 4 जीरो लगा दी। ऊपर कितना आ गया, 23 45 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि ऊपर भी 5 से कट रहा है, नीचे भी 5 से कट रहा है, तो मैं 5 से काटना शुरू करता हूँ। देखिए बड़ी संख्या तो इसमें थोड़ा ज़्यादा काट पीट करना पड़ेगा, तो मैं 5 से काट दिया, कितना नीचे 2000 आ गया, 4 5 20 और 6 5 30 और 9 5 45। ठीक है, अब ऊपर नीचे हमारे को एक ऐसी संख्या मिल गई है ठीक है, एक ऐसी संख्या मिल गई है जिसमें कोई भी एक ऐसा हमें HCF नहीं मिलेगा जो यहां भी, या ऐसे समझ लो इन दोनों का HCF कितना है, 1 है। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ना करके सिंपल बात में समझते हैं, तो इसका 1 है, तो ये आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, 469/2000। देखिए ऊपर की संख्या यदि बड़ी होती है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि छोटी है तो फिर जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से कुछ बातें समझ आई है, और आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।